पूरे तरीके से बाधित इसलिए की गई है ताकि फेयर तरीके से परीक्षा ली जाए, लेकिन अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए आज जिस तरीके से अभ्यर्थी जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि जब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जो है वो यहीं पर करते रहेंगे। जी मनीष, यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे सीजीएल के जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे किस तरह से जो बैरिकेटिंग की गई है, टू लेयर की बैरिकेटिंग की गई है ऑफिस के बाहर, और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं जब विद्यार्थियों का कहना है कि वो लोग उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ प्रदर्शन करने आए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए, लगातार जो है जेएसएससी की तरफ से बातें क्लियर हो गई, एक प्रतिनिधि भी मिला था इनका जेएसएससी के कुछ लोगों से, अधिकारियों से, उन्होंने भी कहा था नहीं ठीक है हम जाँच करेंगे उसके बाद जो है आगे जो है कार्रवाई करेंगे। तो क्या जाँच तक का इंतजार नहीं करना चाहिए इन लोगों को कि जाँच हो जाए उसके बाद क्या है क्या नहीं? जो देखिए आपने जिस तरीके से कहा कि इन लोगों को जांच का इंतजार करना चाहिए, तो देखिए अभ्यर्थी परेशान है मनीष, और इनका कहना है क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जब आयोग के समक्ष हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, तब 5 अभ्यर्थी अंदर पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, तमाम जो एविडेंस है उनके समक्ष रखने की कोशिश की, और अधिकारियों की ओर से ये कहा गया था कि एंसर की जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में एंसर की जारी किया जाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो परेशान है, और इनका कहना है कि अगर अब ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब जो धांधली हुई है या फिर जिस तरीके से आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि कमेटी का गठन हुआ है, तो इनका कहना है कि रिपोर्ट आएगा ही नहीं सामने। तो देखिए अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, और जाहिर तौर पर देखिए अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जहां जहां इनका सेंटर पड़ा था, जहां जहां धांधली हुई थी, वहां से अभ्यर्थी जो है पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचे, और देखिए लगातार यहां पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जांच तो जरूर चलेगी, लेकिन जांच का रिपोर्ट जो है वो किसी के सामने नहीं आएगा, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। हालांकि देखिए जब अभ्यर्थी से पहले आयोग के समक्ष पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनका कहना था कि अंदर जितने भी अधिकारी थे उनके समक्ष ये लोग एविडेंस जो है वो रख चुके हैं, लेकिन अब जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि आयोग की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो एविडेंस ये लोग दिखा है वो एविडेंस पूरे तरीके से ब्लैंक है। अब ये सुनने के बाद अभ्यर्थी जो है वो काफी आक्रोशित है, और उनका कहना है कि हम लोग जो एविडेंस दिखाए हैं वो पूरे तरीके से सत्य है, और ऐसे में आयोग की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो एविडेंस ये लोग दिखाए हैं वो एविडेंस पूरे तरीके से ब्लैंक है। तो देखिए कई सवाल उठ रहे हैं, और तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए अभ्यर्थी जो है वो अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे। अगर मान लीजिए करिश्मा, यहाँ पर मान लीजिए, अगर मान लीजिए करिश्मा, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज, मुलाकात हुई थी, मुलाकात होने के बाद अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। आज जब प्रदर्शन करेंगे तो इनको लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर आएगी, और बैकफुट पर आने के बाद वो अपना निर्णय बदलेगी। दूसरी चीज ये है, अगर फिर से एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाता है, जैसे सी के लोग बुलाते हैं, तो बात तो फिर वही होगी ना कि आप हमें समय दीजिए, जांच करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी आप जो कह रहे हैं सारी मांगे पूरी कर लेते हैं और हम रद्द कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो चीजों को तो कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर आती हुई दिखेगी भी कि नहीं? जी देखिए, अगर इस तरीके का जब आंदोलन देखने को मिलता है मनीष, तो अभ्यर्थी जो है वो कई उम्मीद के साथ राजधानी रांची पहुंचते हैं। देखिए अभ्यर्थियों का ये जरूर कहना है कि अगर यहाँ पर जिस अधिकारी की संलिप्तता है उसे बर्खास्त करना होगा, इसके साथ परीक्षा को रद्द करना होगा। तो ऐसे में अभ्यर्थी कई उम्मीद के साथ आए, अब सरकार बैकफुट पर आती है या फिर नहीं आती, सरकार की ओर से क्या जो फैसले है वो लिए जाते, उसे क्या कुछ पहले वो की जाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभ्यर्थी जो है वो उम्मीदों के साथ राजधानी रांची पहुंचे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक कमेटी का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया है, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिशा निर्देश दिया था कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए, और उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद देखिए जांच फिलहाल चल रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि एक तो यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, एक तो पेपर लीक हुआ है, कहा है कि यहाँ पर जो एविडेंस इन लोगों ने दिखाया है वो एविडेंस पूरे तरीके से ब्लैंक है। तो देखिए सवाल कई उठ रहे हैं, और देखिए सभी के हाथों में अलग अलग जो तख्ती है आप देख पा रहे होंगे कि लोग अपना क्वेश्चन पेपर लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और लगातार जो नारेबाजी अभ्यर्थी कर रहे हैं आप सुन पा रहे होंगे, इनका कहना है रद्द मतलब अगर रद्द नहीं होता है तो ये लोग यहीं पर बने रहेंगे, यहीं पर डटे रहेंगे और यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी मनीष, अच्छा यहाँ पर देखिए प्रदर्शन करेंगे क्या, अभी और भी छात्रों के आने की संभावनाएं हैं,
क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो देखिए 2400 जिलों से अभ्यर्थी जो है वो राजधानी, और ऐसे में कई अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, कई अभ्यर्थी रास्ते में हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है इसमें लगातार वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थी जो है वो काफी आक्रोशित है। इसके साथ ही आपने कल देखा होगा कि कई अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की थी, पैदल मार्च करते हुए हजारीबाग के गांधी मैदान से निकले थे, राजधानी रांची के लिए रवाना हुए थे, और उनका यही कहना था कि हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि जितनी भी परीक्षा जेएसएससी की ओर से ली जाती है उसमें धांधली ही होती है। देखिए कई अभ्यर्थी है, हम उनसे फिर से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हजारीबाग से आए हैं। ये बताइएगा कि लगातार इस बार भी परीक्षा में धांधली हुई है, क्या कार्यों की ओर से अंदर से कुछ आया, क्या कुछ बातें हुई, क्या करना है? अभी तक कुछ नहीं आया है। ये जेएसएससी के पदाधिकारी जो भी हैं छात्रों का सिर्फ मोहरा बना के अपना अपना जेब भर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। ये लोग फॉर्म निकालते जरूर हैं, लेकिन फॉर्म निकालने के बाद फिर होल्ड करते हैं एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम लेने के बाद फिर होल्ड करते हैं 10-10 महीना सिर्फ सेटिंग गेटिंग के लिए। उसके बाद ये लोग भले निकालते हैं और सिर्फ पैसे की खेल होती है, दूसरी और कुछ नहीं होती है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी यहीं पर डटे रहेंगे आप? हाँ, जब तक आज हमारे साथी लोग बोल चुके हैं कि जब तक सही वार्ता नहीं होती है, सही वार्ता मतलब क्या होती है? सही वार्ता से क्या तात्पर्य? यहीं डटे रहेंगे। सही वार्ता मतलब क्या? इससे पहले भी वार्ता हुई थी, क्या सही तरीके से नहीं हो पाई थी? ना, इससे पहले जो भी वार्ता हुई है सही से नहीं हुई है। और हम आज एविडेंस लेके आए हैं, हमारे सीजीएल के छात्र एविडेंस लेके आए हैं, एविडेंस देने के लिए तैयार है, तो फिर वो लोग दे क्यों ना रहे हैं, वो लोग लेट डिले क्यों कर रहे हैं? अरे 2 साल का एग्जामिनेशन संविधान के रूल में कहा हुआ है कि 2 साल प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन का जो भी क्वेश्चन है उसको आप कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉपी और पेस्ट दोनों कर दिया है। तो इस ये एविडेंस क्या कम है किसी एग्जामिनेशन को रद्द करने के लिए? ये हम सीजीएल के अभ्यर्थी हैं और हम जेएसएससी से पूछना चाहते हैं। देखिए और भी अभ्यर्थी, आप कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए हैं, पैदल चल कर आए हैं। कल आप लोगों से बातचीत हुई थी हमारी, आपों का कहना था कि आप लोग यहीं पर डटे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती है, तो क्या रणनीति कुछ और भी आप लोगों ने बनाया? कोई रणनीति नहीं है, जब तक रद्द नहीं होगा, रद्द मतलब रद्द, जब तक रद्द नहीं होता तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे, जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और बात अभी जो ये जो बोल रहे हैं कि सीडी जो ब्लैंक का बात बोल रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि वही एविडेंस राज्यपाल महोदय को भी दिया गया था, वही सीडी और वही पेन ड्राइव, तो राज्यपाल महोदय के पास वो सीडी ब्लैंक नहीं हुआ, यहाँ जेएसएससी ऑफिस आते आते वो अचानक डाटा उड़ गया क्या? यही जानना, मतलब वो जो मतलब कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ भी करके एग्जाम को इसको टालने का कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह विलम्ब हो। लोग का गठन हुआ है क्या, उससे आप लोगों को उम्मीद नहीं है? नहीं, एसआईटी का जो रिपोर्ट है उस पर तो भरोसा, अब तो आयोग भी अपने ऊपर विश्वसनीयता खो चुका है, हम लोग आयोग पर भरोसा ही नहीं रहा, और सीबीआई जांच हम लोग मांग करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो सीबीआई जांच होना चाहिए, तभी स्पष्ट रूप से बाहर सामने आएगा कि क्या हुआ है। सीबीआई जांच की मांग जो है अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। मनी लोग लाइब्रेरी में पढ़ के यहाँ से घर में आशा है कि जॉब होगा, एक सरकारी नौकरी होगी, घर का स्थिति सुधरेगा, आज बच्चे के आज मरने को तैयार है, आज आर और पार की लड़ाई, अगर सीजीएल तो आज कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ जो है यहाँ स्टूडेंट का स्थिति दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है, सरकार बैठे हुए सभी विधायक स्थिति दिनों, अब और आएगा ना इलेक्शन में तो देखिएगा सबका पैसा बढ़ जाएगा, या जेएसएससी का को सीट ही बेचना है, खुला बोली लगाइए, बोल दीजिए जेएसएससी बाहर जो मैदान में है टेंट लगा और खेल दीजिए सट्टा पर था कि जिसके पास जितना पैसा आके सीट ले जाइए, ये नीलामी कर दीजिए, ये जो है ना समस्या झारखंड में नहीं चलेगा। आप लोग क्या सोचे हैं कि नेट बंद कर देंगे और उसके बाद सब पेपर बेच देंगे? ये और इरफान अंसारी जी बोलते हैं ना रिजल्ट देंगे, और हम लोग क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, तो उनको एक सूचना दे दीजिएगा कि कलकत्ता नहीं है यहाँ साड़ी खरीदना नहीं है, यहाँ रिजल्ट जो है जो धांधली हुआ है उसका पैसा जो है ना सब पैसा आप लोग अटक जाइए, और उसके बाद बोलिएगा कि हम लोग रिजल्ट देंगे। इतना हड़बड़ी आपको क्या चीज का है कि रिजल्ट आपको इतना जल्दी देना है? अरे भैया बिना हम लोग बोले कि आंसर की जारी मत कीजिए, तो आप लोग का इतना हड़बड़ी का है था कि आंसर की जारी किए, मैंने आप में दाल में कुछ काला है।